हमेशा तुम कायर हो, हमेशा छिपे ही रहते हो, किसी के सामने प्रकट नहीं होते। ये किसको कहा गया है? निर्देश को नहीं कहा गया, ये भगवान को कहा गया है। दूसरा प्रश्न, हे ईश्वर, क्या तुम्हें खुशामद पसंद है, अपनी तारीफ पसंद है, दान दक्षिणा पसंद है, जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो? दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, क्या तुम सदैव भूखे रहते हो, जो लोगों से मिठाई, दूध, हलवा, पूरी, खीर, घी खाते ही रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो, जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़वाते हो? चौथा सवाल अहम सवाल है, हे ईश्वर, क्या तुम मांसाहारी हो, क्या तुम जानवरों की आंत ओझड़ी खाते हो, जो हमेशा तुम बलि मांगते हो और निर्बल दुर्बल पशुओं की बलि चढ़ा करके तुम अपने आप को खुश करवाते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो, जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? हे ईश्वर, क्या तुम सोने के व्यापारी हो? आज व्यापारियों को भी लग रहा होगा हमसे बड़ा व्यापारी तो भगवान निकला। दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो सनातन धर्म को लेकर के है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये बता दूं कि यहाँ पर निर्देश सिंह दीदी जो सवाल पूछ रही हैं पेरियार की जयंती पर, उन सवालों का जवाब केवल और केवल भगवान से देने के लिए इन्होंने बोला है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस वीडियो को देखकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, कोई हिंदूवादी संगठन का व्यक्ति निर्देश सिंह दीदी के ऊपर सवाल करता है तो वो उसका स्वागत करती हैं। इस वीडियो के अंदर बोल रही हैं कि कोर्ट से उसके ऊपर इतने केस ठोकेंगी कि उसकी सात पुश्त याद रखेंगी कि किसी से पाला पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जब एक ही धर्म के व्यक्ति, एक ही समाज के व्यक्ति भगवान से सवाल करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की भावनाएं इससे आहत नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्देश सिंह दीदी का पूरा खानदान सात पुश्तों तक सनातन धर्म में रही हैं। और आज निर्देश सिंह दीदी भगवान के ऊपर सवाल उठाती हैं कि क्या वो भगवान इतना कमज़ोर है, क्या उस भगवान को इतनी भूख लगती है जो अपने ऊपर दूध का चढ़ावा चढ़वाता है, क्या वो भगवान सोने का लालची है जो कुंटलों सोना मंदिरों के अंदर रखा जाता है, क्या वो भगवान राजनीति भी करता है जो उस भगवान के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, और क्या वो भगवान इतना कमज़ोर है कि जब दलित समाज के SC ST OBC समाज के लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है तो वो भगवान मंदिर के अंदर बैठ करके सब कुछ देख रहा होता है, क्या वो भगवान पक्षपाती भी है जो ये कहता है कि सिर्फ मंदिरों के अंदर ब्राह्मण समाज के लोग ही पुजारी बनेंगे, SC ST समाज के, दलित समाज के लोग मंदिर से दूर रहेंगे। इस तरह की तमाम बड़ी बड़ी बातें कही हैं निर्देश सिंह दीदी ने और बहुत बड़े पैमाने पर सवाल पूछे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसीलिए कहा है कि लोग अपनी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं, क्योंकि इस वीडियो क्लिप के अंदर जो पूछे गए सवाल हैं वो इस तरह के हैं कि कम पढ़े लिखे लोग जिनके अंदर दिमाग नहीं है वो इसको, इसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे, उनके शब्दों को पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो बोल रही हैं यहाँ पर, जो समझाना चाहती हैं, जो बताना चाहती हैं, उसको समझने में असमर्थ रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा काम होता है लोगों के निजी विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हम इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि भी नहीं करते। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आखिर तक देखना, एक एक बात बहुत जरूरी आपके देखने की है। मैं पेरियार की बेटी, पेरियार के 15 सवाल दिल्ली से दोहराती हूँ। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो, हमेशा छिपे ही रहते हो, किसी के सामने प्रकट नहीं होते? ये किसको कहा गया है? निर्देश को नहीं कहा गया, ये भगवान को कहा गया है। दूसरा प्रश्न, हे ईश्वर, क्या तुम्हें खुशामद पसंद है, अपनी तारीफ पसंद है, दान दक्षिणा पसंद है, जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते रहते हो? दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल, क्या तुम सदैव भूखे रहते हो, जो लोगों से मिठाई, दूध, हलवा, पूरी, खीर, घी खाते ही रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो, जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि चढ़वाते हो? चौथा सवाल अहम सवाल है, हे ईश्वर, क्या तुम मांसाहारी हो, क्या तुम जानवरों की आंत ओझड़ी खाते हो, जो हमेशा तुम बलि मांगते हो और निर्बल दुर्बल पशुओं की बलि चढ़ा करके तुम अपने आप को खुश करवाते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो, जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? हे ईश्वर, क्या तुम सोने के व्यापारी हो? आज व्यापारियों को भी लग रहा होगा हमसे बड़ा व्यापारी तो भगवान निकला।
हे ईश्वर, क्या तुम व्यापारी हो जो लाखों टन सोने को अपने मंदिरों में दबाए बैठे हो? मैं नहीं कह रही हूँ, पेरियार ने कहा है, लगभग 125 साल पहले कहा है। ये पेरियार की बेटी तो बस दोहरा रही है। इसके आगे सुनिए, हे ईश्वर, क्या तुम व्यभिचारी हो, बलात्कारी हो, जो तुम मंदिरों में देवदासियों को रखते हो और उनकी हड्डियां नन्नी नन्नी उम्र में उनका शोषण करते वक्त तोड़ देते हो? पेरियार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। सातवां सवाल, ईश्वर, क्या तुम कमजोर हो जो रोजाना होने वाले बलात्कारों को बिल्कुल नहीं देख पाते, अंधे हो? पेरियार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। हे ईश्वर, क्या तुम मूर्ख हो? हे ईश्वर, क्या तुम मूर्ख हो जो दुनिया के देशों में गरीबी भुखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न दूध घी तेल बिना खाए ही नदी नाले में और बहा देते हो, बर्बाद कर देते हो, संसाधनों का नाश कर देते हो? नौवां सवाल, हे ईश्वर, क्या तुम बहरे हो? हे ईश्वर, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी बलात्कारी होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? हे ईश्वर, क्या तुम बहरे हो? निर्देश यहाँ से चीख चीख के अपने समाज के अधिकारों की मांग करती है और तुम उनके अधिकार ही नहीं दे पाते? हे ईश्वर, दसवां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते हो? अंधे भी हैं। इसके आगे ग्यारहवां सवाल, क्या तुम अंतवादियों से मिले हुए हो? क्या बड़ी बात कही है? हे ईश्वर, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो? किसी व्यक्ति से बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सीधी ईश्वर के साथ पेरियार के सवाल हो रहे हैं। और बीच में कोई आएगा तो ये खबरदार, यहाँ भगवान से सीधी बात हो रही है, बीच में किसी को आने की जरूरत नहीं है। अगर वो भगवान का एजेंट बन के आना चाहता तो आ जाए, फिर सारे केस मुकदमे हम उस पर करेंगे। इसके बाद, क्या तुम अंधे हो जो अपराध को होते हुए नहीं देख पाते? क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते हो? हे ईश्वर, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हो जो रोज लाखों लोगों को धर्म के नाम पर मरवाते हो? बारहवां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो? क्या तुम आतंकवादी हो जो चाहते हो कि लोग तुमसे डरें? डिस्काउंट ऐसे करता है ना आतंकवादी, मार दूंगा, नोक दिखाता है, तलवार दिखाता है, चाकू छुरी दिखाता है और कहता है चाकू छुरियां तेज करा लो। यानी कि आतंकवादी का मकसद होता है कि लोग मुझसे डरें, मुझे माने, यह हत्याएं करता है। भगवान भी ऐसे ही करता है कि मुझे मानो और उसे ना मानो तो लोगों को मारा जाता है। आज देश के अंदर जबरदस्ती जय श्री राम भी बुलवाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे मॉब लिंचिंग हो रही है। इसका अगला 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक भी शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों तुमसे लाखों लोग सवाल करते और एक भी जवाब नहीं दे पाते? मैं अभी यह 15 सवाल कर रही हूँ, अगर ईश्वर मुझे एक भी सवाल का जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगी कि इस देश में, इस दुनिया में कोई ईश्वर है, वरना बीच में कोई उसका दलाल बन के मेरा सामना ना करे। इसके बाद 14वां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुपत काम करके कमाए गए धन की पाई पाई तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देता है? कितनी सोचने वाली बात है, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो? इस बात को अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो सरकारी योजना में भ्रष्टाचार होता है। अमीर ले जाते हैं गरीब का कार्ड बनाकर, आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, एक तो एमपी बन गई एससी का सर्टिफिकेट बना करके। तो भगवान भी मिला हुआ है इन भ्रष्टाचारियों के साथ, इन्हें भ्रष्टाचार करने के लिए कहता है कि जय एससी का सर्टिफिकेट लगा ले, जय ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा ले और इनका धन और इनकी सीट छीन के ले जा, इनको लूट के ले जा। तो ये सवाल भगवान से हो रहे हैं, भगवान, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो तुम हर सारे काम अमीरों के लिए करते हो और गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हो? 15वां सवाल, सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए जा रहे हो? वाह क्या बात है, हे ईश्वर, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए जा रहे हो? जोर से बजाइए तालियां, बहुत बड़ी बात है। ईश्वर नहीं आएगा, अभी देखना कल एफआईआर भी होंगी तो ईश्वर नहीं आएगा, एजेंट आएंगे। हो सकता है यहाँ बैठे हुए लोगों के खिलाफ कर से वो आदे फरमान जारी, सर घर से अलग कर दो, तन से जुदा कर दो और हम 10 करोड़ रुपए देंगे। अगली लाइन सुनिए, अभी आखिरी सवाल और पूरी लाइन सुनिए, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किए जा रहे हो, जो तुम्हें रात दिन खरी खोटी सुनाते हैं और तुम सुनते रहते हो, तुम्हारे अस्तित्व को नकारते हैं और तुम उसको चुपचाप बैठ कर देखते रहते हो? तो दोस्तों, अभी जो वीडियो मैंने आपको दिखाई निर्देश सिंह दीदी, इनकी तमाम अक्सर वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता रहता हूँ।
ये जो अपनी वीडियो के अंदर तर्क रखती हैं, ये जो सवाल पूछती हैं, उनका जवाब देने के लिए लोग नहीं आते, बल्कि इनके ऊपर हमला करने के लिए लोग आते हैं। इनसे कहते हैं कि तुझे मार देंगे, तुझे काट देंगे, तेरा ऐसा कर देंगे, तेरा वैसा कर देंगे, और ये हमेशा उन लोगों के स्वागत में हमेशा लगा रहती हैं जो लोग इनकी गर्दन काटने की बात करते हैं, जो इन्हें मारने की बात करते हैं। निर्देश सिंह दीदी साइंस में विश्वास रखती हैं, और निर्देश सिंह दीदी का ये बहुत पुराना कहना है कि हम ऐसे धर्म को, ऐसे लोगों को नहीं मानेंगे जो मनुष्य के अंदर भेदभाव पैदा करते हैं। भारत के अंदर रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी नागरिक एक समान है, सबका सम्मान एक समान होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी दलित समाज के लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, ऊंच नीच बोल करके उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है, सरासर गलत है। और निर्देश सिंह दीदी की एक लंबी मुहिम रही है, लगातार भेदभाव के खिलाफ लड़ रही हैं। आप जानते होंगे कि नेशनल दस्तक चैनल के जो शंभू कुमार सिंह हैं, शंभू कुमार सिंह की भी लगातार यही लड़ाई रहती है कि लोगों बात को समझो, आपके लोग एससी एसटी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग बड़े बड़े पदों पर क्यों नहीं हैं? सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर, शासन में, प्रशासन में, कलेक्ट्रेट में, जजी में, नेताओं में आपके लोग इतने आगे क्यों नहीं? इस बात को ज़रा सोचो कि आपके ही लोग क्यों गरीब हैं? दूसरे समाज के लोग इतने बड़े पैमाने पर पैसे कैसे कमाते हैं, बिजनेसमैन कैसे बनते हैं? आज की जो देश की ज़रूरत है वो है शिक्षा। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षित नहीं करेंगे तो वो कभी भी इन मुद्दों को नहीं जान पाएगा, वो पूरे मामले को समझ ही नहीं पाएगा। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूँगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।